पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि राज्य के स्कूल ऑफ एमिनेंस मानक शिक्षा देने के मामले में मील का पत्थर साबित होंगे। सीएम ने इन स्कूलों के बच्चों से वर्चुअल मीटिंग में कहा कि इन स्कूलों का रिजल्ट स्कूली शिक्षा में नए युग का आगाज करेगा। पंजाब में स्कूली बच्चों को मानक शिक्षा देने के लिए राज्य के 23 जिलों में 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं। तेजी से सुधर रहा है स्कूली बच्चों का परफॉर्मेंस। जब से पंजाब में खुले हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस, पंजाब में स्कूली शिक्षा के एक नए युग का आगाज हो चुका है। ये शुरुआत हुई है स्कूल ऑफ एमिनेंस के माध्यम से। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए राज्य के 23 जिलों में 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं। इन स्कूलों का मकसद है स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग, लॉ और कॉमर्स जैसे फील्ड में बेहतर मुकाम हासिल करने के लिए तैयार करना। साथ ही उन्हें UPSC और NDA समेत 5 प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करना। 31 मई को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य भर में स्थापित किए गए इन स्कूल ऑफ एमिनेंस के 9वीं क्लास के विद्यार्थियों से ऑनलाइन बातचीत की। स्टूडेंट से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये स्कूल एक नया अनुभव है जिनका उद्देश्य स्टूडेंट्स का सर्वपक्षीय विकास सुनिश्चित करना है। कोई इंजीनियरिंग चाहूंगा, कोई पॉलिटिक्स भी आऊंगा, कोई डॉक्टर बनूंगा, कोई पायलट बनूंगा, कोई किसी फील्ड जाऊंगा, कोई किसी फील्ड जाऊंगा। उस असं जो स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू कर रहे हैं तो ताकि बच्चों उन्होंने पसंद मुताबक सबजैक्ट मिलन। कई बार की होंगे बच्चे मैथ के कोई इंट्रस्ट नहीं होंगे बट कमिस्ट्री हों तो उन्होंने कमिस्ट्री मिलेगी। कई बार बच्चे का कमिस्ट्री नहीं इंट्रस्ट है वह स्पोर्ट्स के विच है, उन्हें स्पोर्ट्स वाले पास कोचिंग वगैरह का प्रबंध किया जाऊगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ये स्कूल मानक शिक्षा देने में मील का पत्थर साबित होंगे। इन स्कूलों के नतीजे स्कूली शिक्षा में नया इतिहास बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य भर में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले स्कूल ऑफ एमिनेंस के अध्यापकों का सम्मान करेगी। तो अंडे बहुत ब्राइट फ्यूचर वास्ते, सुनहरे भविष्य वास्ते असी जड़े सोच रहे हैं। थानू कोई दिक्कत ना आवे पढ़ाई दे विच, थानू पढ़ाई का माहौल वधिया मिले, टीचर्स वधिया मिलन, ते टीचर्स नाल तुहाडा जिहड़ा आपस का ना रिश्ता है वो बहुत फ्रेंडली होवे, तुसी कोई भी गल उन्होंने शेयर कर सकते होवो। जे सारे टू स्कूल का रिजल्ट 100% आऊगा तो स्कूल का नाम बनूगा, वो हैडमास्टर का, वो प्रिंसीपल का, वो टीचर्स का, तुहाडा, तुहाडे पेरेंट्स का। सो साडी सरकार भी इस गल नूं एप्रीशिएट करूगी कि 100% रिजल्ट वाले जिहड़े स्कूल ने उन्हां नूं होर एप्रीशिएट करिए। पंजाब चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकार पंजाब में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रही है। अति आधुनिक सुविधाओं के साथ ये स्कूल विद्यार्थियों को क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग फील्ड्स में अपना स्थान बनाने के लिए वो कड़ी मेहनत करें। 12वीं तो बाद तुसी किते भी दाखला लैन जाओ तो तुसी एक परफेक्ट ते एक फोकस्ड स्टूडेंट होवो अपनी मंजिल प्रति। कल तो छुट्टियां ने पर वो छुट्टियां नूं इस तरह नहीं लेना कि सारा कुछ भुल ही जाओ, नाल नाल कुछ कंटिन्यूटी रखियो, पढ़ाई नाल इन टच जरूर रहो क्योंकि खड़ा पानी खराब हो जाता है, पानी चलता ही वगदा ही ठीक होता है। इस वर्चुअल मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट्स से इन स्कूलों में उनके अनुभव भी पूछे। उन्होंने स्टूडेंट्स को बिना किसी डर के खुलकर अपने विचार रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर विद्यार्थियों को कोई शिकायत या कमी लगती है तो वो इस बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। कोई किसी किस्म का सुझाव हो गए किसी बच्चे का, कोई किसी किस्म का कोई थोड़े शिकवा शिकायत हो चीज़ चाहिए है आ कमी है तो खुल के तुम दस सकते हो,
कोई किसी किस्म तुहाडे डर जां कोई भय नहीं हैगा। सो तुसीं खुल के दसो, असीं उन्हां चीज़ ओह चीज़ां तुहाडे लई प्रोवाइड करवावांगे। विद्यार्थियों को गर्मियों की छुट्टियों के लिए बधाई देते हुए मान ने कहा कि वो इन छुट्टियों का इस्तेमाल अपने स्किल्स को और तराशने के लिए करें। मान ने यह भी कहा कि वो स्टूडेंट्स को मिल रही शिक्षा के बारे में उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए इस तरह की मीटिंग्स लगातार करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।